ओवरव्यू बता दें जैसे कि क्या क्या रखा था आपने सर हमने बेसिकली जो है वो चार चीजें रखी थी एक तो लाइटिंग रखा था उसमें जो है हम कंट्रोल कर रहे थे डिलीट कर रहे थे दूसरा शेड्यूलिंग कर रहे थे हम शेड्यूल कर रहे थे कि अगर हम शेड्यूल करते हैं मॉर्निंग इवनिंग टाइम के हवाले से तो कौन सी डिपार्ट की या कौन सी जगह की कौन सी लोकेशन की कि लाइट कितनी हमें चाहिए लेकिन जैसे अगर दिन का वक्त है हमने शेड्यूल बना लिया ऑफिस टाइम जैसे 9 बजे शुरू हो रहा है 9 बजे से 1 बजे तक का उसके बाद ब्रेक टाइम हो जाता है तो हम उसमें जो है 9 बजे से एक शेड्यूल बनाएंगे कि 9 बजे से 1 बजे तक जो है ये लाइटें जलेंगी और इतने उसमें जलेंगे और दूसरा एचवेक हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशन हीट वेंटिलेशन में क्या होता है सर जैसे कि सर्दियाँ होती हैं तो उस वक्त तो बिल्डिंग की जो है वो एसी द्वारा तो उसमें नहीं चल रही हीटर चल रही होगी जहाँ ज़्यादा सर्दी चल रही होगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल करने से मतलब ये है कि एक तो ये है कि टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाए दूसरा ये है कि अपनी बिजली को भी आपने बचाना है एनर्जी को कि जैसे कि अगर वो पूरा दिन चलेगा तो उसका इफेक्ट जो है वो आपके बिल पे पड़ेगा एक तो ये दूसरा ये कि आप वेंटिलेशन में क्या था कि वेंटिलेशन में जैसे कि बिल्डिंग होती है तो उसमें वेंटिलेशन बहुत जरूरी होता है फ्रेश एयर के लिए और ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा हो तो उसको कम करने के लिए और एसी जैसे कि अगर गर्मी है तो बिल्डिंग का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उसके लिए एसी ऑन रहेंगे जैसे अगर आपने फिक्स कर दिया टेम्परेचर तो वो जैसे उससे ऊपर जाएगा तो एसी ऑन रहेंगे उसको मेंटेन कर देंगे अभी जैसे कि मैं रूम टेम्परेचर इसको अगर मैं 28 तक जाएगा तो 28 के बाद जो है एसी ऑन हो जाएगा ये कैसे ऑन हो गया जी जी
अभी तो मैं मेंशन करके बताऊंगा फिर उसको शेड्यूल करके बताऊंगा वही होता है ये पार्किंग अच्छा ठीक है ठीक है हां अच्छा ये इसकी कंट्रोल हो रही है हम ज्यादा से जी जी उल्टा है उल्टा है उल्टा टू और फ्रॉम उल्टा है अच्छा भाई फायर यू बी स्मोक डिटेक्ट करेगा और साधारण करेगा
smoke detector किधर है? ये smoke detector और ये आपका temperature. स्मोक डिटेक्ट ठीक है सर, थैंक यू, ठीक है सर, थैंक यू.